आज मैं आपको पास्ता बनाना सिखाऊंगी। देखिए, ये मैंने पास्ते लिए हैं 250 ग्राम होंगे। ये नए वाले पास्ते हैं, ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। मैं आज ये बनाऊंगी, बना के आपको दिखाऊंगी। ये मैंने सॉस लिए हैं, दो बड़े प्याज हैं, तीन टमाटर हैं, इसमें से जो जरूरत होगा उतने इस्तेमाल करूंगी। एक चम्मच हरी मिर्च है, एक चम्मच अदरक, एक चम्मच लहसुन, इतना ये है। और मैंने इतने मसाले लिए हैं, एक चम्मच है ये गरम मसाला, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया है, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च है। इतना मसाला डालूंगी उसमें। तो आइए चलते हैं। चलिए, तो अब हम गैस चालू करते हैं। पानी में नहीं उबाले लिए ना तुम लोगों ने, इसलिए उबालेंगे। चलिए पानी गर्म कर लेते हैं। एक चम्मच तेल डाल लेते हैं, खाना इससे बढ़िया रहेगा। ये उबलने लगेगा तो इसमें फिर पास्ता डालेंगे। चलिए, जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है तक इसको मैं भून लेती हूँ। ज्यादा नहीं भूलेंगे, एक पानी भूलेंगे। छान लेते हैं। इसको मैंने धुल लिए हैं। अब पानी मेरा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी। इसको उबलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये उबल जाएगी तो बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छी तरह से उबलने लगा है ये। अब ये कुछ देर तक उबलेगा भी, कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे उबलने में। देखते हैं कितना देर लगता है, क्योंकि ये मोटे मोटे है ना, इसलिए ये इसमें टाइम लगेगा उबलने में। मेरा पास्ता उबल गया अच्छे से। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं बड़े से बर्तन में। देखिए, उबलने के बाद में कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं एक चम्मच इसमें रिफाइन ऑयल डालूंगी, इससे चिपके ना।
आगे अब कढ़ाई रखते हैं। देखिए मैंने कढ़ाई रख लिया है, गैस पहले से जला दिया है, मेरा ये गर्म हो गया है कढ़ाई। इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, आधा टीस्पून। इसमें प्याज डालते हैं, मैंने आधे प्याज डाले, आधे बचा लिए हैं। आधा चम्मच अदरक डालना है, आधा चम्मच लहसुन, इतना हरी मिर्च। थोड़ा ब्राउन हो तो भूनी है। कि ये सब चीज रहते हैं तो वो पास्ता बढ़िया बनते हैं। देखिए मेरा ब्राउन हो गया, मैं इसमें टमाटर डालती हूँ आंच धीमा करके। इसमें टमाटर मैंने बचा लिए हैं, इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, ये जल्दी गल जाएंगे टमाटर। इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। देख लेती हूँ, ठीक है, बढ़िया गल गया है। 3 मिनट हुए होंगे, इतना जल्दी गल गया। और इसमें मैं मसाला डाल देती हूँ। थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए। देखिए कितना बढ़िया मसाला बन गया उसका। धनिया कर मैंने रखा था, और इसमें अब तेज करके डालते हैं सॉस। मैं आधा सॉस डालना है, और कोई हरी सब्जी नहीं मैंने डाला है क्योंकि बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं होता। जो मैंने सॉस डाले हैं टमाटर सॉस डाला है। ये हो गया, अब मैं पास्ता डाल देती हूँ।
देखिए मेरा पास्ता तैयार है, हो गया। देखिए कितना बढ़िया बने, खिले खिले बने हैं। कोई भी खा लेगा। मेरा पास्ता तैयार हो गया, अब गैस को बंद कर देते हैं। देखिए ये तैयार हो गया, अब इसको प्लेटिंग करते हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है।